हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जिसका। और आज मेरे पास है ज़िवोनिक्स ब्रांड की तरफ से आने वाला ज़िवोनिक्स ज़िव 3 पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि कॉम्पैक्ट साइज का बजट फ्रेंडली ब्लूटूथ स्पीकर है और इसके जरिए 5 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है। अभी वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन। इस प्राइस में ज़िवोनिक्स का ज़िव 3 पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है, आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी ब्लूटूथ स्पीकर रहेगा या फिर नहीं। ज़िवोनिक्स का ज़िव 3 ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है कुछ इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स के सामने स्पीकर का एक पिक्चर, साइड में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो अभी के लिए इनको पढ़ सकते हैं, वैसे मैं तो इन सब की बात आगे वीडियो में करने ही वाला हूँ। और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाते हैं बॉक्स कंटेंट्स के डिटेल, और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल स्पेसिफिकेशंस इसके अलावा दिया हुआ है ज़िवोनिक्स के बारे में। ज़िवोनिक्स डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बैंगलोर कर्नाटका बेस्ड ब्रांड है। साथ में यहाँ पर मॉडल नेम, हेल्पलाइन के डिटेल, साथ में दिया हुआ है MRP जो है 1999, मतलब कि 2000 रुपये। लेकिन ज़िवोनिक्स का ज़िव 3 ब्लूटूथ स्पीकर amazon.in से मिल जाता है करीब करीब 1000 रुपये के रेगुलर प्राइस में। बेस्ट वाली लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अभी के लिए फटाफट से बॉक्स की सील को कट कर देते हैं, निकालते हैं बॉक्स के अंदर स्पीकर के अलावा, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो स्पीकर के अलावा बॉक्स के अंदर से मिलती है एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ मिलती है बोथ साइड्स 3.5mm प्लग वाली ऑक्स केबल, मतलब स्पीकर के अंदर यहाँ पर 3.5mm वाला जैक भी मिलने वाला है। ब्लूटूथ के अलावा डायरेक्टली इस केबल के जरिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ मिल जाती है कॉम्पैक्ट साइज की यूजर मैनुअल, जहाँ पर की काफी सारी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस फीचर्स वगैरह बताए हुए हैं, कैसे आप ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसके मल्टीफंक्शनल कंट्रोल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में, तो चाहें तो जरूर से इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन स्पीकर पर। तो स्पीकर मिलता है कुछ इस तरीके से रखा हुआ, और स्पीकर यहाँ पर राउंड शेप में है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर को कुछ इस तरीके से आप रख पाएंगे किसी भी सरफेस पर। स्पीकर के सामने ज़िवोनिक्स की ब्रांडिंग और कुछ कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं जो कि रबराइज्ड हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा जो स्पीकर है मैट ब्लैक कलर में है, रबराइज्ड फिनिश के साथ में आता है। और मुझे पर्सनली ये वाला मटेरियल प्लास्टिक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पसंद आता है ब्लूटूथ स्पीकर्स में। बाई चांस हाथ से फिसल जाए तो यहाँ पर कोई दिक्कत होती नहीं है, वैसे ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है हाथ में। बाकी यहाँ पर कंट्रोल बटन्स के नीचे एक माइक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप कॉल्स पर बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो एक और होल है, ये एक LED नोटिफिकेशन लाइट है, साथ में एक 3.5mm वाला ऑडियो इनपुट जैक। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक फुल साइज USB पोर्ट है जिसमें कि आप पेन ड्राइव वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है, जहाँ पर कि 32GB तक के मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा एक माइक्रो SD चार्जिंग पोर्ट है स्पीकर को चार्ज करने के लिए। बाकी यहाँ पर FM भी मिल जाता है इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक रबराइज कैप है जिससे कि स्पीकर जो है वाटर रेसिस्टेंट है, तो पानी वानी भी अंदर नहीं जाएगा। बाकी स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर की तरफ से यहाँ पर एक ग्रिल दिया हुआ है जिसके लिए मेन स्पीकर का साउंड आउटपुट सुनने को मिलेगा। साउंड आउटपुट की बात करें तो वो है 5 वॉट का, और नीचे की तरफ यहाँ पर पैसिव रेडिएटर दिया गया है जिसके जरिए आपको बेस काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाएगा म्यूज़िक के दौरान। बाकी स्पीकर के कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर प्ले पॉज वाला जो बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए तो पावर ऑन हो जाता है स्पीकर। डायरेक्टली डिस्कवरेबल मोड में ऑन होता है। ये जो नोटिफिकेशन LED है ये ब्लिंक करती है कुछ इस तरीके से। और ब्लूटूथ का वर्जन है 4.2, तो बेसिक से मेथड के जरिए किसी भी एंड्रॉयड या फिर iOS डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को। कंट्रोल्स की बात करें तो वॉल्यूम प्लस को शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ट्रैक नेक्स्ट कर पाएंगे, वॉल्यूम माइनस को शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ट्रैक प्रीवियस कर पाएंगे। प्ले पॉज वाले बटन के जरिए ट्रैक को प्ले पॉज तो कर ही पाएंगे, साथ में कॉल पिक कर सकते हैं, कॉल हैंग अप मतलब कि रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वॉल्यूम प्लस को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वॉल्यूम प्लस होगा, वॉल्यूम माइनस को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वॉल्यूम माइनस होगा। इसके अलावा प्ले पॉज वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे 1 सेकंड के लिए तो यहाँ पर डिफरेंट मोड्स में स्विच कर पाएंगे, मतलब कि मेमोरी कार्ड के थ्रू या फिर USB पेन ड्राइव के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के जरिए या फिर FM के जरिए किसके जरिए आप स्पीकर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी स्पीकर के बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर दी गई है 600mAh की बैटरी, जिसको 0 to 100% चार्ज करने में करीब 2.5 आवर्स मतलब कि 2.5 घंटा लग जाता है। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद स्पीकर के थ्रू आपको 4 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम या फिर टॉक टाइम मिल जाता है। बाकी ब्लूटूथ का वर्जन आता है 4.2, तो कनेक्टिविटी कोई दिक्कत है नहीं, किसी भी ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। करीब 8 से 10 मीटर तक तो बड़े आराम से कनेक्ट रहता है अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। बाकी कॉलिंग के लिए भी मैंने इसको इस्तेमाल किया तो वहाँ पर भी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी रहती है, दूसरी तरफ भी माइक के थ्रू जो आवाज़ है काफ़ी अच्छे से पहुँच जाती है। और ज़िवोनिक्स ज़िव 3 ब्लूटूथ स्पीकर के साउंड आउटपुट के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इस स्पीकर के थ्रू मिलने वाले साउंड आउटपुट को। बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। Over the edge, feel like I'm floating through the air.
फाइनली अब मैं बात करूँ स्पीकर के साउंड आउटपुट के बारे में, तो ट्रिबल अच्छा है, वोकल्स भी क्लियर रहते हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स भी ठीक ठाक तरीके से सुनने को मिल जाते हैं। स्पीकर के साइज और प्राइस को देखते हुए जो बेस मिलता है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल जो साउंड आउटपुट है वो बोलूंगा काफी ज्यादा लाउड है। इस प्राइस रेंज के मतलब कि 1000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आने वाले जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर हैं, तो वन ऑफ द लाउडेस्ट साउंड आउटपुट वाला स्पीकर बोलूंगा मैं इस स्पीकर को। सो ओवरऑल यही बोलूंगा 70-80-90% तक के वॉल्यूम पर आपको वेल बैलेंस साउंड आउटपुट मिल जाता है इस स्पीकर के थ्रू। 100% वॉल्यूम पर हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन सुनने को मिले। बाकी ओवरऑल स्पीकर का जो डिजाइन है, ग्रिप वगैरह काफी अच्छी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और स्पीकर का वेट भी इतना ज्यादा नहीं है, केवल 190 ग्राम का वेट है, तो बैग में कहीं भी कोने में डालकर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। साथ में जो स्पीकर है वाटर रेसिस्टेंट भी है, कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है लेकिन मैंने इसको टेस्ट करके देखा पानी के नीचे डालकर, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो थोड़ी बहुत बारिश में अगर लगाकर डांस वांस करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। सो ओवरऑल यही बोलना चाहूंगा 1000 रुपए के प्राइस में Zivonics Ziv3 पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर एक पिक है, जरूर से आप खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट वाई लिंक दे दिए हैं, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है, और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। और ये वाला वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली बार इसी तरह का कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशंस पर भी जरूर से टच कर दीजिएगा। अभी के लिए अगर आप चाहें तो चैनल पर और भी काफी सारे वीडियोज हैं तो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।